Ayo guys, welcome back to Ash Gamers WW2K22 My Faction Mode की एक नई वीडियो guys। और आज की इस वाली वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं ये वाला न्यू डे का टावर वीक 20 का, वीकली टावर्स का। ये देख लो तुम लोग, सारे मैचेस न्यू डे के साथ ही हैं और सारे 3-on-3 हैं। तो चलो गाइस, आज न्यू डे को हराते हैं और पांचों मैचेस को जीतते हैं सारे MFPs को कंप्लीट करने के साथ साथ। ऑल राइट, तो गाइस यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है टीम एश वर्सेस टीम WWE, न्यू डे वर्सेस रे मिस्टीरियो, रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर। और बिल्कुल फिक्र मत करो गाइस, मैच तो मैं ही जीतूंगा और बहुत ही जल्द जीतने की कोशिश करूंगा, और ऑब्वियसली सारे MFPs को कलेक्ट करने के साथ साथ। और रे मिस्टीरियो को मैं लेता इसीलिए हूँ क्योंकि इसके इसमें कुछ ज़्यादा है ही नहीं MFPs कलेक्ट करने का, बस 3 बार हाई फ्लाइंग मूव, 3 बार अपने स्प्रिंग बोर्ड मूव और 5 बार रनिंग मूव। उसके अलावा बस स्टाइल मार दो 2 बार, खत्म। ये देखो हो गया, अब उठाया, अबे सीधा कर जल्दी। अरे यार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है। एक्सेवियर वुड्स को हम देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल गाइस यहाँ पर कॉफी किंगस्टन आ चुका है और रे मिस्टीरियो किस ओके आ गया। तो हम इस साइड से जाते हैं, तो कॉफी किंगस्टन आगे आ जा, मैं तो सिग्नेचर मारूंगा और मार दिया, और ये सिग्नेचर लग भी गया। और देखो हमारे सारे MFPs कलेक्ट हो चुके हैं, और उसके बाद सिग्नेचर के साथ साथ फिनिशर भी देंगे और MFP और ज़्यादा कलेक्ट हो जाएगी। वो अलग बात है कि बिगी होता तो उसकी पूरी हेल्थ खत्म होती और मैं पिनफॉल करके मैं मैच जीत जाता, लेकिन कोई बात नहीं, पूरी न्यू डे को देख लेंगे। आज 5 मैचेस होते हैं, तो पांचों मैच में इनको कुत्तों की तरह मारेंगे, तुम लोग बिल्कुल फिक्र मत करो। और एक सैटेलाइट DDT दिए दिया मैंने कॉफी किंगस्टन को, यार बिगी से भी ज़्यादा डैमेज होगा ऑब्वियसली, यार एक सिग्नेचर एक फिनिशर लगाए तो बिल्कुल होगा। और गाइस चैनल पे बहुत ही जल्द स्पाइडरमैन की वीडियोस आएंगी, नहीं स्पाइडरमैन 2 नहीं, स्पाइडरमैन माइल्स मोरेल्स। वैसे मैं स्पाइडरमैन 1 खेल के बाद में माइल्स मोरेल्स खेल के बाद में 2 खेलना चाहता था, लेकिन अब क्या करें गाइस, 1 ऐसा नहीं थी कि नहीं है, लेकिन मैंने सोचा यार माइल्स मोरेल्स पहले खेल लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो अपने नॉर्मल स्पाइडरमैन से अलग है, मतलब वैसे तो कनेक्टेड है, लेकिन स्पाइडरमैन माइल्स मोरेल्स एक अलग सीरीज जैसी है। लेकिन गाइस हम उसकी बातें बाद में करते हैं, उसकी वीडियोस में करते हैं। और कमेंट में बताना है कि गाइस तुम लोगों को कब से चाहिए वीडियो, वैसे तो अभी तक मेरे पास TD आई नहीं, बहुत जल्द आ जाएगी, तो आने के बाद मैं शुरू कर दूंगा। तुम लोग बस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो और साथ में गाइस इस वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए गाइस बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो, ताकि आते ही तुम लोगों को पता चल जाए। और शानदार फ्लैप जैक जिसके बाद टैग देने जा रहा था, रुक जाओ मैं मदद कर देता हूँ इसके, जा बेटे टैग ले, मैंने गलत जगह दौड़ा दिया, लेकिन कोई बात नहीं। ओके तो गाइस शानदार, नहीं इसका ये देखो रे मिस्टीरियो का, इस वाले का हाई फ्लिंग मूव नहीं है बाहर के लिए, अपना स्प्रिंग बोर्ड मूव कोई भी, मतलब नॉर्मल स्प्रिंग बोर्ड है वही रुक के देने का। ये देखो, ओ भाई काफ़ी शानदार हरे कराना, और हमारे पास देखो गाइस जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, मेरे पास 3 फिनिशर आ चुके हैं, लेकिन एक फिनिशर चला गया। मैं क्यों ऐसी बेवकूफ़ी करता हूँ, क्या ज़रूरत थी अभी दिखाने की। और गाइस तुम लोग देखो यार कितना कम हेल्थ गई है मेरी, मतलब गई ही नहीं थी ये इससे थोड़ी देर पहले तक। और गाइस मैं यहाँ पर आकर रुक जाता हूँ और कॉफी किंगस्टन के अंदर आने का वेट करता हूँ, जैसे ही वो अंदर आएगा गाइस फिनिशर के लिए मैं रेडी हो जाता हूँ। आजा कॉफी किंगस्टन, भाग कर मत आना, आराम से ऐसे आराम से आने का और आराम से चले जाने का। आई होप बिगी आ गया, छुड़ा देगा, लेकिन गाइस हमारे पास उसका एक रास्ता है, और वो रास्ता है गाइस हमारा ब्रॉक लेसनर। तुम लोग बस देखो। अरे यार ब्रॉक लेसनर अंदर जाना, बाहर जाना, मैं तेरे को टैग देने आ रहा हूँ, एक मिनट गाइस रुक जाओ, तुम लोग बिल्कुल फिक्र मत करना। अबे अरे कोई बात नहीं, रोमन रेंस के साथ कोई तो मस्त मूव लगाया है जिससे हमें पिन करने को, ड्रॉप केक रे मिस्टीरियो तो ठीक है, लेकिन रोमन रेंस
उसे मैंने बहुत कम बार देखा है ड्रॉपिक देते हुए, और मुझे याद भी नहीं आ रहा। मैं तो बस ऐसे ही कह रहा हूँ कि ऑब्वियसली सुपरस्टार ऐसे दिया तो होगा। और बाहर वो लोग अपने ब्रॉक लेसनर को कूट रहे हैं, तो रुक जाओ तुम लोग बस थोड़ी देर रुक जाओ। ब्रॉक लेसनर जैसे ही अंदर आएगा गाइस, तुम लोग को एक ही चीज़ सुनाई देगी, वो है हियर आर योर विनर्स रे मिस्टीरियो ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस। तुम लोग बस रुक जाओ। ओके, अपना ब्रॉक लेसनर आ गया, उसके पास भी सिग्नेचर ऑलमोस्ट आ ही चुका है, बस एक मुक्का या फिर एक लात सिग्नेचर आ जाएगा उसके पास भी। बस ये आ गया, बस एक सेकेंड और आ गया। चलो देते हैं अपना सिग्नेचर, और फिकर करने की कोई बात नहीं गाइस, अब देखो तुम लोग कैसे ब्रॉक लेसनर हम लोगों को ये मैच जिताता है। और ये कितना गंदा एंगल दिखा रहा है अपना कैमरामैन, मतलब 2K22 का कैमरामैन है। होप ये फिनिशर ना छीने, और छीना नहीं। और गाइस हम लोग मैच जीत गए, मैं तुम्हें सीधा सेकंड मैच में मिलता हूँ। तुम लोग बस देखते जाओ। ओके गाइस, तो मैच यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट होते रे मिस्टीरियो ने शानदार अपने स्प्रिंग बोर्ड मूव से शुरुआत की, लेकिन रिवर्स भी हो गया है। लेकिन गाइस हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो फर्क पड़ता है जीतने से। ये देखो ए पिनफॉल नहीं, छोड़ दे, इसमें वैसे भी गई करने का भी कोई फायदा नहीं। और ये देखो एक और स्प्रिंग बोर्ड मूव, तुम ये वाला देखो। सॉरी, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ऐसे में ही वो जब गिरा होता तब देता तो ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन कोई बात नहीं। हम थोड़ा अपने MFPs कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद में एक साथ ही गाइस हम लोग अपना हाई फ्लाइंग मूव अपना मनी इन द बैंक तोड़ने चाहेंगे। लैडर मैच को ऑब्वियसली मनी इन द बैंक तोड़ना पड़ेगा, और गाइस बिल्कुल फिकर नहीं करने का यार आज का मैच तो। ओ भाई, आज की पूरी वीडियो में तुम लोग देखोगे बस एक ही टीम को छाए हुए, और वो है टीम एश। क्या ज़रूरत थी बे Xavier, क्या ज़रूरत थी, नहीं ज़रूरत क्या थी तेरे को सब करने की, फालतू में मार खा रहा है ना। और गाइस मेरे पास फिनिशर आ चुका है, तुम लोग बस कुछ देर रुक जाओ, बस आने ही वाला है। आ गया, मैं जाऊँगा टॉप रोप, उसे उठाऊँगा, और जब तक उठ रहा है एक टाइल भी मार लूँगा ताकि थोड़ा और MFP कलेक्ट हो जाए, और एक शानदार फिनिशर देने के बाद जिसमें जाऊँगा सिग्नेचर देने के लिए। जी हाँ, हम लोग पहले सिग्नेचर नहीं फिनिशर देते हैं ताकि वो स्टंट हो जाए। और रे मिस्टीरियो का सिग्नेचर इतना बकवास है कि उसे एक्यूरेटली 100% एक्यूरेट होने की ज़रूरत है, ना ही ज़्यादा दूर, ना ही ज़्यादा पास, ना ही राइट साइड, ना ही लेफ्ट साइड, लेकिन ये गई ठीक है। लेकिन उसने अपना सिग्नेचर छीन लिया, कोई बात नहीं गाइस, होता है। हमारा हाई फ्लाइंग मूव से गाइस हमारे पास काफ़ी जल्दी सिग्नेचर आ जाएगा, तुम लोग बस देखो। या ओके, मुझे लगा कि क्या कर रहा है, लेकिन उसने अपना सिग्नेचर दिया, कोई बात नहीं, होता है, चलता है, मुझे बुरा लग रहा है लेकिन चलता है। रे मिस्टीरियो कवर में सोने जैसा सो मत, उठ जा। तो बिल्कुल फिकर नहीं करो गाइस, इस Xavier Woods को जब तक एक और फिनिशर। रोमन रेंस तेरे को मैं लेकर क्यों आया हूँ यहाँ पे, हाँ साले Xavier उठ इधर आ। अबे तो मैंने सामने से मूव मारा था, फिर भी ऐसा हो गया, क्यों बेहोश, क्यों बेहोश। डी ये वाला मूव नहीं गाइस, रुक जाओ, बस एक बार मौका मिले तो वो वाला मूव मार के दिखाऊंगा मैं तुम लोग को, ये वाला। वो अलग बात है कि कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन गाइस फिर भी कोई बात नहीं, हम Xavier को उठाएंगे। Xavier टाटा, उसके बाद गाइस ओके चलो, कॉफी किंगस्टन भी बाहर चला गया, और हम बिगी को भी बाहर ढकेल देते हैं, पूरी न्यू डे बाहर। और एश टीम एश रिंग के अंदर खड़के अपना दबदबा बना रही है। वैसे रोमन जा चुका है कॉफी किंगस्टन के पास, क्या ज़रूरत थी रोमन, यहाँ तेरी ज़रूरत है। और ब्रॉक कितना धीरे धीरे तोड़ रहा है, फन इन गाइस, मैं एक अभी यहाँ पे रुका दूंगा लैडर, तो क्या ब्रॉक लेसनर नीचे आएगा, मतलब रुक जा। थोड़ा गलत लगा दिया मैंने, थोड़ा इस साइड लगाने दो,
ओके परफेक्ट, चढ़ते हैं ऊपर इस साइड से, वो भी आएगा ऊपर से फिनिशर देके नीचे उतारते हैं इसको। और बिगी स्टैंड है, कॉफी किंगस्टन को मार रहा है अपना ब्रॉक लेसनर। और फिर गाइस हम जल्दी से चलते हैं टॉप ऑफ द लैडर, ग्रैब करते हैं उस मनी इन द बैंक को, लेकिन बिगी और कॉफी किंगस्टन दोनों आ रहे हैं। और मैंने गलती कर दी दो बार, तीन बार, चार बार, ये मैं कितना ज़्यादा गलत कर रहा हूँ। और लो, मुझे पता नहीं था कि मेरा फिनिशर जा चुका है। ओके मैं बाहर, और एक टोर्नेडो टैग मैच है तो मैं स्विच भी नहीं कर सकता ब्रॉक लेसनर या फिर अपने रोमन रिंग्स पे। और रोमन लैडर छोड़ और ऊपर आ, खैर गई सभी भी सिर्फ दो बार ही हुआ है। अबे ओए स्टाइल मारने में टाइम वेस्ट मत कर बेवकूफ रोमन, उठ। ऐसे ही किया था ना ब्रॉक लेसनर के साथ भोस के पे डी के लगा दो, उतने मतलब डी के नहीं, खैर कोई बात नहीं, तुम लोग समझ ही गए होंगे। कॉफी किंगस्टन को बाहर भेजते हैं, एक्जेवियर वुड्स को अपने जाने दो, वो वापस नीचे चला गया। चलते हैं और टॉप ऑफ द लैडर वापस ग्रैब करते हैं कॉन्ट्रैक्ट जो हमें नहीं मिल रहा। और रुक जा गई एक बस एक बार, ओ नहीं 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 भाई साहब, क्यों क्या जरूरत थी कॉफी किंगस्टन तेरे को, हट। अबे यार रे एक ही बार करना है, जल्दी उठ वरना वो लोग करके जीत जाएंगे। मैं वीडियो बनाने के टाइम पे इतना स्ट्रेस्ड क्यों होता हूँ भाई, मतलब मैं इतना ज्यादा हड़बड़ी करता ही नहीं हूँ। नहीं ब्रॉक, ब्रॉक तुझे तेरी अम्मा की कसम। कोई बात नहीं गाइस, कोई बात नहीं, कॉफी किंगस्टन ओके गिरा दिया वैसे भी उसने कॉफी किंगस्टन को। मैं उठा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, लैडर उठाना था, रोप्स नहीं पकड़ने थे रे। कोई बात नहीं, हम लोग उठाएंगे अपना लैडर वापस, ले जाएंगे इस एक्जेवियर वुड्स के पास। रोमन हट जा, बेवकूफ रोमन की वजह से गाइस ठीक से लैडर नहीं लगाया मैंने। ओके अब लग गया, वो अलग बात है थोड़ा गलत है लेकिन फिर भी ओके। बिगी यू वाना डू इट, टेक दिस, तेरी टीम जो है उससे ज्यादा दुगनी अच्छी टीम मेरी है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ। अबे नहीं यार, कोई बात नहीं गाइस, इस तरीके से गाइस हम अच्छी तरीके से सेट कर सकते हैं। ओके गाइस तो चलो टीम मैच ने दूसरा मैच भी जीत लिया अपना, आई ग्रैब द कॉन्ट्रैक्ट और वी वॉन, तीसरे मैच में मिलता हूँ। ओके तो हेल इन अ सेल मैच तो हो रहा है लेकिन ये न्यू डे को ज़्यादा ही अच्छा नहीं लग रही पीछे से, ये देखो ये कुछ तो करने वाला था। अबे एक्जेवियर ये ले ऐसे ही, अरे यार तुम दोनों एक ही के पीछे क्यों जा रहे हो। ठीक है समझ आ गया फाइनली अपने रोमन को, लेकिन अपने ब्रॉक को समझ नहीं आया। लेकिन गाइस आपका भाई है ना, आपका भाई संभाल लेगा इन सबको। और ये ले, ये रहा तेरे लिए एक व्हील बैरो डीडीटी, और ये रहा तेरे लिए एक क्लोज लाइन, दोनों एक साथ उठ रहे हैं लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुझे लिया एक आम ड्रैग और साथ में एक और व्हील बैरो डीडीटी, ये ऐसा ही होगा इसमें। और कॉफी किंगस्टन को मिला एक आम ड्रैग, यही है गाइस, जितना हो सके उतना जल्दी जल्दी खेलने की कोशिश करो। ये बात, इस बात के बाद गाइस मैं जा रहा हूँ यहाँ पर ताकि मैं अपना सिग्नेचर दे सकूँ, बस मुझे एक्जेवियर नीचे से ना खींचे, और उसने खींचा भी नहीं और मैंने काफ़ी शानदार सिग्नेचर दे के ब्रॉक लेसनर के तरफ छोड़ दिया है। और अपने रोमन, अबे यार कॉफी किंगस्टन नहीं, अपना बिगी रुक जाओ, बिगी को मारते हैं। अबे कोई तो आ जाओ शिकंजे में, ये गाइस काफ़ी अच्छा ड्रॉप किक मिला और मैं इसको यहाँ से फेंक रहा हूँ। ये देखो रोमन तू वहां से मार, मैं इधर से मारता हूँ। ये बात,
अबे यार सब लोग एक ही तरफ आ गए यार। रुक जाओ मैं बिगी को लेके अंदर जाता हूँ। ये क्या था? नहीं ये क्या था रे, ये था क्या? ओके शानदार मूव, लेकिन क्या करेंगे, सारे लोगों को यहीं पे मरना है। नहीं नहीं कोई भी यहाँ से जाएगा नहीं, सारे लोगों को यही मरना है। ओके इसने रिवर्स भी किया, लेकिन हम किसी से कम थोड़ी हैं। और मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था बिगी, क्योंकि अंदर मुझे एक शिकार मिल चुका है। और इस शिकार को मैं पता नहीं क्यों ऐसा बात कर रहा हूँ, लेकिन गाइस अब मज़ा आएगा क्योंकि एक जेवियर बूट हमें अकेले में मिल चुका है। रोमन तू भी जा यार ऊपर, ब्रॉक अकेला पड़ जाएगा। वो देखो बिगी भी जा रहा है उसके पीछे, तू ऊपर जा रोमन। ये बात अच्छा हुआ, सॉरी गाइस मैंने गाली दे दी सॉरी, लेकिन मैं करूँ क्या। देखा सुन तो नहीं रहा था मेरी बात। पिन कर दे, हाँ पिन कर दे रोमन को। भाई ऊपर कुछ तो खतरनाक हो रहा है। अबे अब पिन करना, पूरी हेल्थ तो चली गई उसकी। नहीं 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 रुक जो MFP पूरा कलेक्ट नहीं हो रहा। अब जीत जाता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ये हुई ना बात, अब गाइस हम जीतेंगे, इसलिए मैं शुरू में ही सब कुछ कलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। उठ जा, बस ये एक मूव लग जाए, उसके बाद हम जीत गए। चलो वन टू, लेकिन किक आउट किया, मेरा सिग्नेचर लगा नहीं उसको यार, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। रुको हम इसे मार के गई इसका कस्टमर बनाते हैं, इसको स्टन करते हैं जैसे वो लोग अपने ब्रॉक की को मार रहे हैं। रुक जाओ कैसे तुम लोग, रुक जाओ बस तुम लोग मेरा। ये बात अब कुछ भी हो जाएगा इस, एक फिनिशर और एक जेवियर वुड्स का काम खत्म। वो लोग वो जहाँ पर है ना वहाँ से वो लोग फिनिशर दे के भी कोई फायदा नहीं। नहीं रोमन बेवकूफ रोमन रेन, ठीक है तू मेरा ओके गई। ये देखो हो सकता है ये फिनिशर अब मेरे को पड़े, ये देखो। अबे यार नहीं यार, वो मैंने बहुत पहले एक तरीके से किया था, मैंने मुझे याद भी नहीं मैंने वीडियो डाली या नहीं। रुक जो रोमन नहीं, देवार्थी बच्चे का राज की हो तू, ये मेरे को फिनिशर मार को काम खत्म करने दे। ओके गाइस कोई बात नहीं, ऐसे भी जीत सकते हैं, हेल्थ काफी ज्यादा लो हो चुकी है उसकी और हम जीत गए। हमेशा हम लोग ऐसे ही जीतते हैं, इस बार लेकिन कुछ अलग हुआ। फिर भी तुम लोगों से मैं चौथे मैच में मिलता हूँ, मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे पता चला कि हम कैसे जीते, लेकिन फिर भी गाइस बहुत कम, मतलब शायद मैं गिन के भी बताऊँ तो 3-4 बार ही ऐसा हुआ है जब मैं इसमें फेल हुआ हूँ, और फेल भी ऐसा कि मैं भी खुद एलिमिनेट नहीं हुआ। ओके तो 75 MFP कलेक्ट करना है तो आराम से आ जाएगा, आराम से मतलब बहुत ही ज़्यादा ईजीली हो जाएगा, तुम लोग बस देखो कैसे करता हूँ मैं। अबे यार ये बिगी भी ना, सबसे पहले तो ये वाला छोटा होगा और फिर अपना ये वाला 30 हो गए, उधर के 30-60 उधर के 30-90 ऐसे ही गई इजीली हम लोग कर लेंगे। और रिंग काउंट है बिल्कुल है, क्यों नहीं है, और किस बेवकूफ़ ने कहा नहीं है। नहीं बिगी जाना मत यार, खैर गई कोई बात नहीं, 7 तक काउंट आके उसके बाद ये सारी चीज़ें होंगी तो गई हम बुरा मान सकते हैं, लेकिन ये नहीं हुआ क्योंकि गाइस अब हम करेंगे हमारा प्लान शुरू, क्योंकि हमारे पास आ चुके सिग्नेचर। तो तुम लोग ऐसे अपने सुपरस्टार लो जिनके पास ऑलवेज सीट कमिंग हो, ऑलवेज सीट कमिंग का जो बैज है वो हो, क्योंकि वो होगा ना गाइस तो आपके पास रिवर्स करते ही सिग्नेचर का एक बार पूरा भर जाएगा। और वो वहाँ पर गिनती चालू है और मैं इसे भी स्टंट करने वाला हूँ। रुक जाओ नहीं 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 ये भागेगा, ये भागेगा, ये बिगी भागेगा, मौका मिलते ही ये भागेगा। तो मैं अब इसको फिनिशर दूंगा चाहे इसे लगे या ना लगे, नहीं गाइस कोई बात नहीं, स्टंट होने ही वाला है वैसे भी। और मैं यहाँ पर हारने वाला हूँ, अभी 8 हो गया और कैसे जीतता हूँ तुम लोग देखो। मैं अंदर जाऊँगा और इसको उठाऊँगा ताकि ये स्टंट होके खड़ा रहे,
मतलब स्टन नहीं होगा, लेकिन देखो इजी विन, इजी गाइस, इजी इजी। और उसे अंदर आ, मतलब नीचे आने देखो, फिर किंगस्टन को से फिनिशर लगाऊंगा और 15 MF मिलेंगे, यानी कि 60 MF, उसके बाद 15 MF रनिंग अटैक्स करके पूरे कर लूंगा, इजी विन। रेफरी बेवकूफ, उसे आने दे, तू होता कौन है बे रोकने वाला, उसको तू होता कौन है। चल अब गिनना शुरू कर, मेरा पूरा सिग्नेचर आने तक जितना गिन सकता है गिन ले, जो कि एक भी नहीं है, एक सेकंड में पूरा सिग्नेचर आ गया। चल अपना दूसरा फिनिशर भी लेकर आ जाते हैं, उसके बाद कोटी किंगस्टन को एलिमिनेट कर लेते हैं। ये बात, उठ जा कोफी किंगस्टन, उठ जा बेटे मुझे तेरे लिए। ये कोच गलत हो गया, अबे यार क्या हो रहा है ये, रुक जाओ भाई। ओके हम बच गए, 5 तक काउंट भी आ गया और हमने अपना फिनिशर सक्सेसफुली दे भी दिया। और गाइस यही मत रखो, क्योंकि इसके बाद गाइस स्टन ख़त्म होता है, तो जैसे स्टन यहाँ पर आता है सिग्नेचर दे दो, ताकि ये थोड़ा और लंबा टाइम तक टाटा हो जाए। और 9 के करीब तुम लोग रिंग के अंदर चले जाओ और उसके बाद उसको उठा दो। वैसे तो अब ये उठता नहीं, लेकिन फिर भी ये देखो 10 हो गया और इसका खेल ख़त्म। और इसे गाइस इजीली हम संभाल सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इसे काउंट आउट के ज़रिए नहीं हराएंगे, हम इसको गाइस अपने फिनिशर दे के हराएंगे, क्योंकि पास हमारे पास। ओके ओके चलो, मुझे लगा कि मैंने कुछ गलती की, लेकिन ऐसा नहीं था। रे मिस्टीरियो बस 15 और MFP कमाने हैं, जो कि एक स्प्रिंगबोर्ड अटैक के बाद हमारे हो जाएंगे, और हो गए हो गए। और गई ऐसे करके हमने MFP भी कमा ली, हमने मैच को भी जीत लिया, और वो भी बहुत ही कम टाइम में। और वो भी क्या हुआ, बस रे मिस्टीरियो की बॉडी येलो ही, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। और अब मुझे बस इतना करना है कि जाना है मुझे टॉप रोप पे, वेट करना है एक्जेवियर का। और ये जब भी भागकर आते हैं गाइस, उतर जाओ वहां से, वो मूव खा लो, लेकिन ऐसे मत करना। यार सिग्नेचर दे दिया इसने, लेकिन कोई बात नहीं गाइस। ओ अच्छा पिन भी कर दिया, लेकिन रोप ब्रेक होगा। ये ले, मैं चलता हूँ ऊपर, तू जैसे उठेगा वैसे तेरे को फिनिशर पड़ेगा। और ये पड़ा पहला फिनिशर, एक फिनिशर में टाटा थोड़ी करूंगा मैं तेरा, एक फिनिशर में टाटा करूंगा क्या तेरा मैं, आराम से एक और दूसरा फिनिशर लगाओ और इसका टाटा करो। गाइस मैं अब तुम लोग को सीधा नेक्स्ट लास्ट मैच में ही मिलूंगा, क्योंकि जीतना तय है। हमारा लास्ट मैच एक टोर्नेडो टैग टीम मैच है, और मुझे नहीं लगता कि एक एलिमिनेशन टैग टीम मैच है, तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है हमें, नहीं उन लोगों को, और हमें भी थोड़ी बहुत, मतलब बहुत ही थोड़ी। और गाइस मैं भी से कह रहा हूँ, अगर वीडियो में कहीं पर भी बैकग्राउंड में कोई नॉइस आ गई होगी तो आई एम रियली सॉरी, उस चीज़ को इग्नोर करना। और न्यू डे का टावर ख़त्म करते हैं इस मैच को जीतने के साथ। चलो शुरू करते हैं न्यू डे का लास्ट मैच, जिनमें हम उनको कुत्तों की तरह पीटेंगे और साथ में इस मैच को हम जीतेंगे। और मैच शुरू भी हो गया गाइस, टीम मैच एचएस टीम न्यू डे लास्ट मैच ऑफ टुडे, और इस वीडियो का भी एक सिक्स मैन टोर्नेडो टैग टीम मैच, जिसको हमने पहले भी जीत रखा, मतलब हेलेना सेल में भी यही हुआ था, बस उसमें सेल था, इसमें नहीं है, उल्टा इसमें एक चीज़ कम है। वो अलग बात है कि उसी चीज़ की वजह से हमें एडवांटेज मिला था। कोफी किंगस्टन और बिगी ऊपर चले गए थे सेल के, ब्रॉक को लेके, और हमें एक्जेवियर का पिनफॉल करा लिया। उसी मैच में हमने रोमन को थोड़ी गालियां भी दे दी, लेकिन कोई बात नहीं, होता है, अपना टीममेट है, बुरा नहीं मानेगा, चाहे कितना ही बड़ा सुपरस्टार हो, रोमन हमसे बुरा मान जाए ये गाइस हो नहीं सकता, क्योंकि ये रोमन एक गेम में है, इसके अलावा और क्या हो सकता है। ओके गाइस चलो हम लगाते हैं अपना एक अच्छा मूव, और ये मूव कैंसल हो जाएगा, तुम लोग देखना अगर वो अभी तक नहीं,
ये वाला मूव नहीं गई, ऐसे वाले मूव कैंसिल नहीं होंगे लेकिन रिवर्स जरूर हो सकते हैं। और हमारे क्या, अरे एमएफपी कलेक्ट नहीं हुआ था, रोमन क्यों पिनफॉल किया तूने? अब हम मैच जीत के भी टावर कंप्लीट नहीं कर पाए, बेवकूफ रोमन। वो देखो गाइस, मुझे मैच में आते ही सबसे पहले गाइस दो बार अपने टॉन्ट्स कर देने ताकि वहीं पे 30 हो जाए और उसके बाद अपना स्प्रिंग बोर्ड और कोई भी नॉर्मल सिग्नेचर फिनिशर लगा ही देंगे यार। गाइस कंप्लीट हो जाता यार अभी, लेकिन रोमन बेवकूफ़ की वजह से नहीं हो पाया। तो चलो कोई बात नहीं, हम फिर से मैच को स्टार्ट करते हैं। और इस बार सबसे पहले तो गाइस मैं 60 ऐसे ही कलेक्ट कर लूँगा, क्योंकि गाइस ऑल राइट यहाँ पर मैच स्टार्ट हो चुका है। मैंने जितनी हाइप बनाई थी लास्ट बार इतनी हाइप नहीं बनाऊंगा, सीधा सीधा मैच को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं नीचे जाता हूँ, थोड़ा पीछे जाता हूँ और उसके बाद मैं सबसे पहले तो गाइस यहाँ पर 60 MFP कलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद आके गाइस इसको एक रनिंग मूव लगाने की कोशिश की मैंने, लेकिन कोई बात नहीं। अरे उठ जा मार, हमारे आगे कोई स्टाइल नहीं मार सकता, ये ले हट। और गाइस हम रियली सॉरी, अभी गाड़ी गई और उसका ओवर पक्का आया होगा। बेवकूफ़ों को बहुत स्टाइल मारना है, लेकिन गाइस फिकर मत करो यार, कोई बात नहीं, होता है कभी कभार होता है। लेकिन ये चीज़ जो हो रही है यहाँ पर मैच में, उस चीज़ को देख के गाइस मैं एक ही चीज़ बोल सकता हूँ, न्यू डे इज गोइंग टू लूज। ओके गाइस हमारे पास आ चुका है हमारा प्यारा सिग्नेचर, जिसको देखे गाइस हम और 15 MFP कलेक्ट कर सकते थे, लेकिन मुझे बहुत जल्दी थी। मैं हमेशा सिग्नेचर एक मुक्का मारने के बाद ही देता हूँ ताकि पता चल जाए, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि चांसेस होते हैं कि वो रिवर्स नहीं करेगा, लेकिन नहीं, यहाँ तो हमें बहुत जल्दी थी। ये देखो कितना कितना मार रहा, अब रिवर्स नहीं कर रहा। अबे पूरा स्टन मीटर खत्म हो जाएगा। अबे यार खैर छोड़ो गाइस, अभी मुझे लगाना भी नहीं है। और मैं देख रहा हूँ कि रोमन पिनफॉल नहीं कर रहा और ब्रॉक वो पिट रहा है, वो भी कॉफी किंगसन से, जिसको ने रियल लाइफ में इतनी बुरी तरीके से हराया था, मुझे कहने की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से हराया ब्रॉक लेसनर को, आई मीन कॉफी किंगसन को ब्रॉक लेसनर ने। और हमारा फिनिशर नहीं छीना, यहाँ से हमारे 15 आ गए और बस यहाँ पे मैं सिग्नेचर दूंगा और फिर गई सारे कंप्लीट हो जाएंगे। आप जिसको पिनफॉल कराना है कराओ, लेकिन सबसे ज़्यादा गई डैमेज तो अपना एक्सेवियर ही है। तो चलो इसे अपना सबमिशन भी दे देते हैं हम लोग, ताकि ये और ज़्यादा डैमेज हो जाए। और जब मैं रिंग में ले जाके इसके साथ यही सेम चीज़ करूँ, ओ मतलब बाहर भी सिग्नेचर फिनिशर, आई मीन नहीं यार, तो उसने बिगी ने सबमिशन क्यों बचाया? खैर कोई बात नहीं गाइस, इतना तो मैं समझ गया हूँ कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए होगा, लेकिन हमें थोड़ा वक्त काफ़ी होगा। हाँ गाइस थोड़ा वक्त तो काफ़ी होना चाहिए एक एक्सेवियर को हमें ये कराने के लिए, लेकिन अपने ब्रॉक ने भी एक सिग्नेचर आई मीन सबमिशन दे दिया और हमने भी दे दिया। और बिगी बाहर बिजी है, तो हम जल्दी से जल्दी गाइस एक्सेवियर को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से सबमिशन दे चुके हैं और हम मैच को जीत गए इजी। इतने इजी मैच को रोमन ने दो बार किया, बेवकूफ कहीं का। हाँ आप क्या कर रहा है बे, है गाइस छोड़ो कोई बात नहीं। इस वाली वीडियो में रोमन पे कुछ ज़्यादा गुस्सा नहीं हो गया मैं आज, उसने हरकतें भी ऐसी की, मतलब देखो इस मैच में भी उसने कितना किया, लेकिन इस बार मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और उसे गाली नहीं दी। इस बात के लिए मुझे अपने आप पे बहुत खुशी हो रही है। ब्रॉक रोमन, ओके गाइस तो टीम मैच जीत चुकी है, हरा के न्यू डे के टावर को, पूरी न्यू डे टीम को चक्का चक तरीके से हराया। और देखो तीनों शान से खड़े हैं न्यू डे को हरा के, भी 5 अलग अलग मैच में 5 अलग अलग स्टिपुलेशन के साथ। बहुत ज़्यादा मज़ा आया गाइस रियोडे को हरा के। और गाइस देखते हैं अगला टावर भी, अगर ऐसा होगा कि किसी एक ही टीम के खिलाफ लड़ना है तो गाइस उसके भी मैं वीडियो लाऊंगा अगर आगे भी ऐसा आए तो, क्योंकि गाइस काफ़ी जल्द मैं 100%। और हाँ गाइस रिवॉर्ड भी मिल गया हमें, हमारा जॉन सीना रूबी कार्ड वाला। और गाइस मैं बहुत ही जल्द 100% WWE 2K22 को ख़त्म करने वाला हूँ, तो उसकी वीडियो भी आएगी। हाँ नहीं गाइस नेक्स्ट मैच कोई टावर मैच नहीं है, मतलब टावर मैच ही है लेकिन कोई एक टीम के साथ नहीं है, तो इसका वीडियो तो ऑब्वियसली मैं नहीं डालूंगा। लेकिन अगर
बीच में कुछ फनी चीजें हो गई तो इसमें पक्का डालूंगा, तुम लोगों ने देखा भी होगा शॉर्ट्स में भाई, रे मिस्टीरियो के साथ अपने इसी वाले रे, अबे यार रुक जाओ, अपने इसी वाले रे मिस्टीरियो के साथ एक बहुत ही बुरा कांड हो गया था, मैंने उसका शॉर्ट वीडियो बना के डाला है, जॉन मॉरिसन के साथ जब मैच हुआ था, और सिर्फ शॉर्ट वीडियो नहीं एक लॉन्ग वीडियो भी बना के डाली है, तो जाके देख लो अभी तक नहीं देखी और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही साथ गाइस इस वीडियो को लाइक करना, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए गाइस बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे सेट करो, और अपने फ्रेंड्स फैमिली फैमिली में नहीं सारी जगह जहां पर भी शेयर कर सकते हो इस वीडियो को शेयर करो, और कमेंट में बताओ कि बीजीबी टीम का नेक्स्ट वीडियो किस टीम के साथ करें, अभी आएगी अपने गोल्डबर्ग और सेड्रिक अलेक्जेंडर की वीडियो जरूर आएगी, और गाइस मैं मिलता हूँ तुम लोग को बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक लेकर खुद का ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो, हमारी इस दुनिया का ख्याल रखो, इस गंदरे बाय।